नाज़रीन नॉर्थ अमेरिका से वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद अपने स्पोर्ट्स एडिशन के साथ आज हम हाजिर हैं। इसमें हम पाकिस्तान के सेकंड क्रिकेट मैच की बात करेंगे और सेकंड क्रिकेट मैच में जो पाकिस्तान की टीम ने गलतियां की हैं वही गलतियां इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में की थी। तो आइए हम महराना तजिया के लिए नुसरत हुसैन साहब से बात करते हैं। नुसरत हुसैन साहब जो है हमारे कनाडा के अलावा पाकिस्तान में भी एयरफोर्स में अपनी टीम के कैप्टन रहे हैं कि अपनी टीम को के साथ बड़ा खेलते रहे, फिर वैंकूवर आए और वैंकूवर में अपना जर्नलिज्म किया। इन्होंने जर्नलिज्म में पहला बाइलिंगुअल अखबार इन्होंने शाया किया जो कि बहुत बड़ी काविश थी और जो कि अभी तक चल रहा है, मेरिकल उसका नाम है। और उसके बाद उसके साथ साथ इन्होंने अपना क्रिकेट का भी शौक कायम रखा और क्रिकेट के शौक में यहाँ की जो वैंकूवर की लीग थी जो बहुत बड़ी लीग है यहाँ पे उसमें भी बहुत हिस्सा लेते रहे। तो आइए इनसे पहले सेकंड टेस्ट की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। वालेकुम अस्सलाम इम्तिहान। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान। वेरी गुड। हाँ चले, वो कप्तानी आपने यहाँ कर ली तो कप्तान कप्तानी होता है। तो नसर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान टीम ने क्रिकेट में पहले टेस्ट में इंग्लैंड में इंग्लैंड कंडीशन को अच्छी तरह से भांप लिया और वो मैच जीत गए और दूसरे टेस्ट में कुछ गलतियां हुई हैं, हम आपकी जुबान से अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे। तो नसर साहब आपके क्या राय है इस सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान की टीम की हारने की वजह? यार अगर देखा जाए ना तो जो लॉर्ड्स का टेस्ट जीत के जब आई थी टीम तो इनके मोराल काफी हाई था और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी इन्होंने लॉर्ड्स में, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि ये जो है लॉर्ड्स टेस्ट का रेपिटेशन है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस जो है ना टीम्स की वो चेंज हो गई। यानी कि जो काम पाकिस्तान ने लॉर्ड्स में किया था इंग्लैंड ने वही काम आके इस दूसरे टेस्ट मैच में कर दिया। अब इसमें मसलन पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग में 363 रन बनाए थे लॉर्ड्स में और वही 363 रन इंग्लैंड ने बनाए हैं और पाकिस्तान पहले इनिंग्स में टॉस जीता और टॉस जीत के जिस तरह इंग्लैंड के कप्तान ने रूट ने वहां पे लॉर्ड्स में पहले बैटिंग की थी वही काम सरफराज ने किया और बैटिंग खुद कर ली टॉस जीत के। विकेट गो के बैटिंग के लिए अच्छी थी लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर ऊपर क्लाउडी था और उसमें दो पहले सेशन जो थे उसमें गेंद ने काफी मूव किया जिसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो स्कोर उतना हाकत खोर नहीं कर सकी, कोई भी बैट्समैन चल नहीं सका पाकिस्तान का। हाँ कुछ इसमें ये भी कि इंग्लिश कंडीशन जो है हालांकि फेवर कर गई पहले मैच में और दूसरे मैच में वही कंडीशन थी उनके लिए, लेकिन मेरा ख्याल है ये हमारी टीम कंडीशन नहीं हुई। नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में विकेट जो है ना विकेट को रीड करना पड़ता है ना, कप्तान रीड करते हैं ये कैसी विकेट है, विकेट को जब देखते हैं आप तो उसके ऊपर घास पास हो और विकेट तेज हो कुछ नजर आती है तो आदमी कोशिश करता है कि बैटिंग जो है दूसरी टीम को कराए, लेकिन यहाँ की विकेट जो थी जो इन्होंने रीड की उससे इन्होंने ये समझा कि ये बैटिंग के लिए अच्छी विकेट थी क्योंकि रूट का जो बाद में इंटरव्यू था उसमें उसने ये भी कहा था कि अगर टॉस मैंने जीता होता तो मैं भी पहले ही बैटिंग करता, तो वो उसमें कोई टेक्निकल गलती नहीं की सरफराज ने। लेकिन क्रिकेट जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इट इज बाई चांस, इसके अंदर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो उस तरीके से चल नहीं सके जिस तरह उन्होंने पहले टेस्ट में किया था और फिर इंग्लैंड ने प्रेशर रखा ऊपर उनके जो बॉलर थे ब्रॉड सीजन्ड बॉलर है फास्ट बॉलर उसने रखा पर उसके बाद जिम एंडरसन था उसने भी बड़ी अच्छी गेंदें की तो पाकिस्तान को ना स्कोर नहीं करने दिया उन्होंने उस तरीके से जिस तरह पहले किया और इस मरतबा इंग्लैंड की टीम ने फील्डिंग भी बड़ी अच्छी की, कोई कैचेस भी ड्रॉप नहीं किए, तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ लेकिन पाकिस्तान मैच हार गया बाय 55 रन्स।
लेकिन मैं उसके बावजूद जो है पाकिस्तान के लिए भी मेरे ख्याल और इंग्लैंड के लिए भी दोनों के लिए ये टेस्ट सीरीज बड़ी अच्छी रही है, फेस सेविंग हो गई है दोनों की, कि पाकिस्तान ने लॉर्ड्स का टेस्ट जीता और इंग्लैंड ने शतजीत के सीरीज बराबर कर दी। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो सबसे अच्छी बात आई है इसमें इसमें वो अब्बास का जो नया बॉलर आया है वो खिला है और वो मैन ऑफ द सीरीज भी रहा है अब्बास। हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छी हेल्दी चीज है। मोहम्मद आमिर कोई इतनी जो उसकी बैन लगने से पहले उसपे जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस अभी तक उस वापस नहीं आया उसको। मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर आ भी नहीं सकता क्योंकि उसका जो पीक था जो 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 एनर्जी थी उसमें वो एनर्जी तो उसी 5-7 साल पहले थी जो वो अब तो नहीं होगी उसमें। और फिर ये रीड भी करते हैं, ये अपनी एनालाइज करते हैं कि किस तरह से बॉल करता है, वो कैसे खेलना है, उसे बहुत रीड किया है इन्होंने, तो ये दोनों उसके फेवर में नहीं है बातें, एज और उसका जो उसका एक्सपोज हो जाना। तो मेरे ख्याल में आपकी क्या राय है इस पे? हाँ वो कुछ अनलकी भी रहा है कि उसके जो है, लेकिन उसकी गेम में वाकई आपकी बात ठीक है कि उसकी गेम में जो पहले जो स्ट्रेंथ थी वो नहीं रही है, वो जो फाइट थी ना उसकी गेम के अंदर जो पहले करता था वो गेंदे और उसकी जो लेट स्विंग होती थी जिसकी वजह से बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था और लाइन वाइन उसकी बड़ी ठीक थी, स्पीड भी ठीक थी, तो अभी इतने अच्छे के बाद उसकी जो है वो अभी तक वापस उस फॉर्म में नहीं आ सका है। लेकिन अच्छी बात ये है कि दूसरा बॉलर हमारा आ गया है मोहम्मद अब्बास, नया बच्चा आया है। हसन अली वनडे का तो जबरदस्त बॉलर है लेकिन अभी तक वो इसमें टेस्ट मैच में अपनी बॉलिंग को जो है वो नहीं शो कर सका है। लेकिन अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान की टीम जो है, बहरहाल पाकिस्तान की टीम तो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम है ना दुनिया की। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड पाकिस्तानी नेशन भी हम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल लोग हैं, किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। ओवरऑल आई वुड से कि इट वाज अ गुड सीरीज जिसमें पाकिस्तान विनर है क्योंकि इन्होंने आयरलैंड से भी जीता था, टोटल 3 टेस्ट खेले उसमें से 2 टेस्ट जीत गए 1 हार गए हैं, तो ये तो गेम का इट्स पार्ट ऑफ द गेम, बिल्कुल एक अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस है। जी बिल्कुल, ये खासतौर पे मैं बॉलर्स की बात करूंगा यहाँ पे, तो बॉलर्स को वहाँ की जो मॉइस्चर है एयर में उससे फायदा उठाना चाहिए और फिर खासतौर अपने आप को वैरायटी होनी चाहिए इनमें, तो आपको क्या राय है इस वैरायटी के बारे में? वैरायटी तो अच्छी है, हमारे पास 4 टीम बॉलर्स है ना, 4 अपना अहमद आमिर है, अब्बास है, हसन है और अशरफ फहीम है जो कि ऑलराउंडर भी है, बैट्समैन भी अच्छा है। लेकिन जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए बात है वो है शादाब की, शादाब लेग स्पिनर है और लेग स्पिनर जो है वो सब कॉन्टिनेंट की एक स्पेशलिटी है, हमारे लेग स्पिनर जो है वो राइट फ्रॉम इंतखाब आलम फिर कादर फिर ये यासिर शाह और अभी शादाब आया है, तो शादाब से उसकी अभी तक वो गेंदे जो है उस तरीके से नहीं चली है, तो देखो अब इसका क्या होता है। लेकिन आई थिंक हमारी काफी अच्छी बैलेंस आई है, अभी वो लड़का नया एक उन्होंने उस्मान सलाउद्दीन खिलाया है उसको भी टेस्ट अभी किया, उसने बच्चे ने उसने कोई 33 स्कोर किया है एक दिन के अंदर, लेकिन इस मरतबा इमामुल हक से उम्मीदें थी वो भी नहीं चल सकता, हारिस सुहेल भी नहीं इतना चले, असद शफीक भी रह गया, असद अली तो एक ऐसा बैट्समैन है जो बड़ा सीजन बैट्समैन है लेकिन उसकी जो है कोई कंसिस्टेंसी तो पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर में अभी तक इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी बैट्समैन में खासकर कोई नजर नहीं आ रही है। जी वो अजहर अली के बारे में ये अभी मैं देख रहा था कि उसने 10 इनिंग्स खेली और क्लोज टू 23 रन की एवरेज है उसकी ना, तो आई थिंक ही हैज टू इम्प्रूव अ लॉट खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में। हाँ हमारे पास पीछे लड़के बहुत अच्छे हैं बैठे हुए कहीं ना खेलने वाले, अभी बड़ी लेदे हुई है इस बात पे कि फवाद आलम को क्यों नहीं डाला, वो काफी अच्छे से वो डोमेस्टिक में स्कोर कर रहा है, वो फील्डर भी बड़ा अच्छा है, उसकी बैटिंग एवरेजेस भी बड़ी अच्छी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि उसको इन्होंने टाइम इस टीम में क्यों
लेकिन अच्छे है, पाकिस्तान में टैलेंट तो है और उम्मीद है कि ये इससे सीखेंगे अभी ये बच्चे, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नहीं अच्छी बात है, वैसे मैं तो ये देखता हूँ कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होना, तो मैं कंपेयर करता हूँ उसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैचेस से, क्योंकि ऐसे सीरीज का कई लेवल होता है पाकिस्तान के मैचेस का। और सेम थिंग मैं ये फील कर रहा हूँ कि जैसे लॉर्ड्स में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है, तो इट वॉज अ बिग ग्रेट विन। वेरी गुड। तो नाज़रीन अब एक वक्फा लेते हैं और इसके बाद वी विल कंटिन्यू विद नुसरत हुसैन। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आप आपके खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तानियों की आवाज नॉर्थ अमेरिका से वापस पाकिस्तान में पहुंचे और वहां के लोगों को ये पता चले कि बाहर रहने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान के मामलात में इतना ही ज्यादा हिस्सा लेते हैं जितने वहां के पॉलिटिशियन लेते हैं। और एक एक पाकिस्तानी जो यहाँ पे काम कर रहा है ओवरसीज में, वो जो पैसे भेजता है अपने हलाल हक हलाल की कमाई के, उसको वो चाहता है कि वो सही जगहों पे लगे और पाकिस्तान की जो वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है कोई भी हो, अगर वो काम सही नहीं कर रही और या इलेक्शन कमीशन कोई काम सही नहीं कर रहा, अदलिया कोई काम सही नहीं कर रही, तो हम लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, गूगल पे और मैं अपने मीडिया दिल अपना पाकिस्तान के जरिए बहुत सारी बातें जो है करना चाहता हूँ। तो हम नुसरत हुसैन हमारे साथ हैं, हमने अभी क्रिकेट पे बात की, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एक चेंज आई है, बहुत बड़ी चेंज आई है। इलेक्शन कमीशन ने एक फॉर्म जो होता है हल्फनामा होता है एक किसी भी कैंडिडेट के लिए जो इलेक्शन के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेता है उसे वो हल्फनामा भरना पड़ता है, तो उस हल्फनामे में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। और नुसरत हुसैन साहब से हम पूछते हैं क्योंकि नुसरत हुसैन साहब ने यहाँ पे जर्नलिज्म किया हुआ है, इन्होंने अखबार चलाया हुआ है, बहुत अच्छे राइटर हैं इंग्लिश के, और इनसे बात करते हैं। नुसरत हुसैन साहब अगेन आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं, क्रिकेट की बात हो गई, तो बताइएगा कि पाकिस्तान में जो चेंजेस आई हैं उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे जो इलेक्शन कमीशन ने अपने फॉर्म में चेंजेस किए हैं। आपने रखा है ना, इसका मतलब ये कि यहाँ जो पाकिस्तानी रहते हैं वो यहाँ रहते तो हैं लेकिन उनका दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है और पाकिस्तान के मामलात पे हमारी गहरी नजर होती है और उसकी खुशी में हमारी खुशी होती है और वहाँ के दुख में हम लोग भी, हमें उसका उसी तरीके से दुख होता है जिस तरह वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों का होता है। तो जब ये जो अभी जो आप बता रहे हैं ये एक असल में ये फॉर्म है जो कि हर कैंडिडेट को भरना पड़ता है जब अपना वो अप्लाई करता है उसके लिए, तो वो एक फॉर्म भर के देता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसपे लिखा होता है कि भाई इस कैंडिडेट ने उसकी कितनी जायदाद है, उसने कितने, उसके पास डुअल नेशनलिटी तो नहीं है, कहीं उसने
कर्जा लेके माफ तो नहीं कराया हुआ, कोई बिल नहीं दिए, कोई उसके ऊपर कोई पुलिस केस तो नहीं है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हर जगह पे किसी भी कैंडिडेट को भर के देनी पड़ती है। तो ये चेंजेस इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, बल्कि ये चेंजेस पार्लियामेंट में की हुई है, और पार्लियामेंट में इन लोगों ने ये तमाम सवाल, जिसमें ये लिखा होता था कि ये कैंडिडेट जो है इसने अपने कवायद जो देता था तो वो बदल दिए हैं, उसके खिलाफ जो है कुछ लोग जो थे वो अदालत में गए केस लेके, और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जो थी आयशा मलिक, उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि ये सारी जो चेंजेस हुई हैं पार्लियामेंट ने जो की है, इन चेंजेस को उन्होंने कहा कि इनको वापस किया जाए और जो पिछला फॉर्म था उसको रिस्टोर किया जाए, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है रिक्वायर्ड है मांगनी चाहिए। बेसिकली पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होती है, पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट के तीन चार वो है ना एक्टर्स जो इसमें काम प्ले करते हैं, लेजिस्लेचर होता है जो सबसे पहला है वो है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर बनाती है, और जो जो जुडिशरी है वो उस लेजिस्लेचर को इंटरप्रेट करती है कि इसके कानूनी तकाजे क्या है, ये सही है, ये किस तरह है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक चीजें हैं उसके अगेंस्ट नहीं हो, और तीसरा जो एलिमेंट है वो है एग्जेक्टिव, वो होती है गवर्नमेंट जो इसके अंदर सारा इन चीजों को एग्जीक्यूट करती है। और आजकल अभी जो चौथा फैक्टर आया है, चौथा एलिमेंट जो है वो है मीडिया, और मीडिया की वजह से इस कदर अवेयरनेस आ गई है कि ये चीजें अब आराम से गायब नहीं हो सकती हैं। जब ये चीजें आती हैं तो लोग इसके बारे में सवाल करते हैं, मीडिया से प्रेशर पड़ता है। तो जब लाहौर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि पुराना फॉर्म जो है उसको रिस्टोर किया जाए और वो सारी कवायद वापस डाले जाए, जिससे कि पता लगे कि ये लोगों को पता होना चाहिए ना, ये फंडामेंटल राइट है लोगों का जानना कि मैं जिसके लिए वोट दे रहा हूँ वो आदमी वाकई उसके पास कितने एसेट्स हैं, जब गवर्नमेंट में आया तो उसके पास क्या पैसे थे, गवर्नमेंट से जाता है तो उसने क्या पैसे बनाए। तो ये बड़ा जरूरी चीज है, और हर मेरा ख्याल है कि तमाम मुहजब मुल्कों में ये इसी तरीके से डिक्लेरेशन करना पड़ता है। लेकिन अभी ये पार्लियामेंट में बड़ी अफसोसनाक बात है, जिसमें पीपुल्स पार्टी, नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग और पीटीआई भी इवन शामिल हो गई है इसमें, उन्होंने भी इसको वो किया है। हाँ, ये बड़ी हैरानगी की बात है, आई एम सॉरी नसर साहब, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि पीटीआई ने इसको फॉर्म को अपोज नहीं किया, ये कुछ मिली भगत तो नहीं लग रही यार। ये इसी तरह है ना कि अगर हुकूमत के पार्लियामेंट वाले वो खुद ही लॉ बनाने वाले हैं, अगर वो कहेंगे जी हमारी तनख्वाहें 100 रुपए से 1000 रुपए हो जाए और सारे एग्री कर जाए तो वो कानून बन जाएगा, क्योंकि ये उनको फेवर करती है। इसी तरीके से ये सारी चीजें इनको फेवर करती हैं। अब जिस चीज के ऊपर नवाज शरीफ को या और बाकी लोग सियासतदान जो है जिनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए थे कि इन्होंने पैसे कहाँ से बनाए कैसे, अब वो चीजें पूछी ही नहीं जा रही है, इसलिए उनको कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये हलफनामा जब वो देते थे तो वो ये भर के देते थे कि हाँ जी मैं बिल्कुल ये दे रहा हूँ, और अगर वो पकड़ा जाता कोई तो उसका डिस्क्वालीफाई होने का खदशा होता है। अब ये सारी चीजें फॉर्म में राय भी करती हैं, जब उसमें पूछा ही नहीं गया तो पकड़ेंगे किसको कि भाई ये किसके पास कहाँ से क्या हो गया। तो ये इसमें जो सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के जो डिसीजन था उसको सस्पेंड कर दिया, जबकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लोगों को बेतहाशा उम्मीदें लगी हुई है, और जस्टिस साकेत निसार जो है वो एक बड़ा नेचुरल जस्टिस और जो आवाम की फलाह के लिए चीजें हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, मसलन ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल में जा रहे हैं, पानी क्यों नहीं आता ठीक, लोगों के साथ ज्यादतियां क्यों हो रही हैं, उन सब के वो सुमोटो नोटिस ले रहे हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी चीज है, इसको उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन को सस्पेंड कर दिया है। अब देखना ये है कि इसको वो किस तरीके से टैकल करेंगे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन तो उन्होंने सेट असाइड कर दिया है, उसको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन अभी हेयरिंग होनी है, अब इसी केस की सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होनी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में तमाम बातें सुनने के बाद
वो फॉर्म वापस रिस्टोर कर दिया, फिर तो ठीक है। लेकिन इस वक्त एक अजीब ही शोर मचा हुआ है, वो कहते हैं जी 25 जुलाई को इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन की डेट एक दिन भी आगे पीछे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये चीजें बीच में आ गई तो देर आर चांसेस की हो सकता है 10-15 दिन एक महीना इलेक्शन आगे पीछे हो जाए। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर इलेक्शन महीना भी आगे हो जाए तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जरूरी ये है कि इलेक्शन फेयर हो, इलेक्शन में साफ लोग आए, तो उसकी वजह से उन्हें चाहिए कि बाकी तो इलेक्शन एक महीना आगे भी चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, अगर इसको प्रोसेस का चलने से कभी कोई साफ पता नहीं है कि हाउ सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देगी। लेकिन हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि साकिब निसार से जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बहुत लोगों को उम्मीदें वाबस्ता है, और पाकिस्तान को एक अच्छा उम्मीद हमें नजर आती है कि फ्यूचर में अच्छे लोग आएंगे। जब तक लोग ही नहीं अच्छे होंगे पार्लियामेंट में, तो कैसे आपका अच्छी गवर्नमेंट या अच्छे कानून बन सकेंगे। देखें ये नुसर भाई, ये कुछ ऐसा नुसर साहब ऐसा हो रहा है, ये मुझे ये लग रहा है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने रिलीजन की शिक निकाल दी है, कोई बात नहीं रिलीजन की निकाल दी है, पाकिस्तानी सब पाकिस्तानी है, आना चाहिए उन्हें अपने वोट पे आना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही इन्होंने अपना भी उल्लू सीधा कर लिया सियासतदानों ने, जो बहुत सारी शिकें 62-63 वाली सॉरी ये जो है ये सब इन्होंने निकाल फेंकी है, और असासे बताने या अपनी बैंकरप्सियां फाइल करने या लोन जो है वो माफ करवाने और बहुत सारी चीजें हैं, ये तो सोसाइटी का नॉर्म बन जाएगा। तो इसका मतलब है पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसी वाहिद नेशन होगी जहाँ पे सब चलता है, का उसूल चलेगा। अनफॉर्चुनेटली हकीकत यही है जो आप कह रहे हो, ठीक है, और लोग जो है लोग भी ऐसे ही हैं और हुकूमत भी ऐसी है, तो फिर आप किससे गिला करेंगे और किसको क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, आप सबसे बड़ी होप लगाई हुई थी लोगों ने, बड़ी मोरालिटी की और एथिकल बातें उसने की हैं थ्रू आउट, और पीटीआई को एक डिस्टिंक्शन जो है बाकी पार्टी से यही है। लेकिन अगर देखा जाए तो पीटीआई में इस वक्त काफी वही लोग आ रहे हैं जो पहले नून लीग के साथ थे या पीपल्स पार्टी में थे या और हम दूसरी पार्टी ये नून लीग में जो थे वो एमएनए वो काफ लीग में थे, काफ लीग से वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे मतलब कहते हैं ना अल्लाह के बंदे बने हुए, ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे बने हुए हैं, और ये लोग पिछले 15 साल से या पिछले 70 साल को बहुत पीछे जाएं तो वो भी उसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन इन इन सालों में इस अरसे में इनको अकल मगर नहीं आती वाली बात है, ये देखते नहीं है कि जज चीफ जस्टिस का काम है कि वो पानी के वो उस पर पता करे जी पानी नहीं मिल रहा शहरियों को या बिजली नहीं मिल रही है। दिस इज मुझे लग रहा है कि ये ऊपर से ये चीफ जस्टिस का काम नहीं है कि वो इन छोटे छोटे मसाइल का काम करे, ये तो सिविक गवर्नमेंट्स का काम है ये, जो कि बिल्कुल उन्होंने उनके हाथ बांधे हुए हैं। और अभी पता चला है रिसेंटली के वो जो रूलिंग पार्टी है वो फंडिंग सिर्फ अपने एमपीज को देते हैं डेवलपमेंट फंड और दूसरों को नहीं देते हैं, इसके बारे में कोई बात करना चाहेंगे आप? आप जो कह रहे हैं चीफ जस्टिस ने हर चीज का वो नोटिस लिया हुआ, तो बात ये है कि जब यार ये बेसिक्स होते हैं ना, मेडिकल की अस्पताल अगर नहीं है, पीने का पानी नहीं मिल रहा, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो कौन करेगा, समबडी हैज टू टेक दैट एक्शन, जो कि बड़ा अप्रिशिएट भी हुआ है और उस पर क्रिटिसाइज भी हुआ है चीफ जस्टिस पे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये चीजें वो हाईलाइट कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो भी गवर्नमेंट्स होंगी आने वाली या अभी भी जो है वो इसके ऊपर खास तवज्जो देगी, क्योंकि आपने अगर एक काम नहीं किया है तो किसी ना किसी को तो वो इनिशिएटिव लेना होगा ना, और इनिशिएटिव उस शख्स को लेना होगा जो कि इन पावर हो या जो ऐसा कुछ कर सकता हो। तो इस वक्त फिलहाल ऐसा लगता है कि ये चीजें जो है चीफ जस्टिस ने ली है, और देखो यार हमें उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सारी चीजें जो है ठीक होगी। पाकिस्तान बड़ा डायनेमिक जगह है, बड़ा पाकिस्तान की एक अपनी टैलेंटेड लोग हैं बड़े हर फील्ड के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ ईमानदारी का फुकदान है, तो अल्लाह करे कि ये चीजें ठीक हो, और लेट्स होप कि हम आने वाले दिनों में कोई
कोई अच्छी चेंज आए पाकिस्तान में, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रहे हैं हम, हमें इतना मतलब नाउमीद भी नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, नाउमीद ही नहीं है, तीसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट लगातार आने वाली है, और अगर तीसरी गवर्नमेंट में बहुत सारे चेंजेस ना आई और एक स्ट्रेट लाइन पे पाकिस्तानी इदारे नहीं चले, तो हमें तो फिर भी हमारी यही उम्मीद है कि एक दिन इन्हें होश आ जाएगा, अपने मुल्क को, दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क हैं, सिंगापुर हो गया और या हांगकांग हो गया, ये बहुत छोटे छोटे जगह थी, हांगकांग के तो मर्जर हो गया उसका चाइना में, लेकिन ये या ताइवान, इन लोगों ने अपने मुल्कों को बहुत तरक्की दी, कम लोग कम वसाइल के बावजूद फिर उन्होंने पर कैपिटा इनकम अपनी बढ़ाई। मुझे लग रहा है कि इसमें इनकी विल की कमी है, सब इदारों की, अगर इनमें विल हो तो सब काम हो जाते हैं। बेसिक चीज वही है ना जो नारा इमरान खान लेके चला था कि करप्शन जो है वो सबसे बड़ी मुसीबत है, अगर करप्शन खत्म हो जाए, ईमानदार लोग आ जाए, नेक नियती से काम करना शुरू कर दे, तो आस्ता आस्ता कहीं पे भी जो है हालात ठीक हो सकते हैं। लेकिन मेन चीज वही है कि वो उसका फुकदान है ईमानदारी का, और करप्शन जो है वो सबसे बड़ा मुसीबत है इस वक्त। तो देखो यार अल्लाह क्या करे कि हालात ठीक हो, नहीं बिल्कुल, हम वो है ना, हमने एक शेर है, पैवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो नाज़रीन हमने ये उम्मीद रखी हुई है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को अपने लोगों से पूरी पे यकीन रखना चाहिए कि हम उसके शाना बशाना खड़े हैं, तो इंशाल्लाह इसी तरह खड़े रहेंगे, चाहे वो अपना काला बाग डैम हो, चाहे वो कोई एनर्जी के मसाइल हो, चाहे कुछ खुराक का हो, ज़राअत हो, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, हम इन पर डिस्कस करते रहेंगे। और शुक्रिया नुसरत हुसैन साहब, थैंक यू खुदा हाफिज़, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। नज़रीन दिल अपना पाकिस्तान में आज मैं मस्जिद रहमा के इमाम मौलाना अब्दुलरहमान साहब के साथ हूँ। इनके बकिया प्रोग्राम भी आप देख चुके हैं, रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है, तो आइए मौलाना साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है, इसकी बरकत के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد الحمد لله 20 روزے ہم نے رکھ لیے, 20 تراویح بھی مکمل ہو گئی, آخری عشرہ شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کو زیادہ کر دیتے تھے, اور رات کو جاگنا بھی زیادہ ہو جاتا تھا, اور صرف خود نہیں بلکہ اپنی فیملی کو بھی جگا کے رکھتے تھے, اس لیے کہ اس آخری عشرے کے اندر ایک بہت ہی بابرکت رات ہے لیلۃ القدر کی, اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کے برابر قرآن حکیم نے بتائی ہے, اور 1000 مہینے 83 ایئرز بنتے ہیں, تو اگر ایک رات کی عبادت میں اللہ رب العالمین انسان کو 83 سال کی عبادت کا ثواب دے دے, تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کے دن ہیں, ان دنوں کے اندر ہر مسلمان کو چاہیے, جو کمی کوتاہی ہم سے رمضان کے مہینے میں ہو گئی ہے, تو کم از کم اس آخری عشرے کے اندر ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں, تو ہمارا نام بھی ان میں شامل ہو جائے۔ تین کام ضروری کریں جو اس آخری عشرے میں ہیں, اور ان کے کرنے سے انشاءاللہ جو لیلۃ القدر کا ثواب ہے اور فائدہ ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں, ہر رات صدقہ کریں, تو جو رات لیلۃ القدر کی ہوگی تو اس رات کا صدقہ 83 سال کے صدقے کے برابر ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ, اسی طریقے سے روزانہ 2-4 رکعت نفل پڑھا کریں, اور وہ 2-4 رکعت نفل جو ہیں اس کے پڑھنے سے
دو رکعت نفل 83 سال کے برابر ہو جائیں گے ماشاءاللہ اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ العزیز لیلۃ القدر کی رات کی تھوڑی سی تلاوت 83 سال مسلسل قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب اللہ عطا کرے گا تو یہ بڑی نعمتوں والی راتیں ہیں بہت بابرکت دن ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بہت بڑا بدبخت ہے کہ جس پہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت جب اتنی عام ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی کرائے اور اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہیں صرف اور صرف ہمیں رجوع کرنی چاہیے اللہ کی طرف اپنے ماں باپ کو راضی کریں اپنے بہن بھائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو راضی کریں دوستوں کو راضی کریں مسلمانوں کی خدمت کریں اگر ابھی تک صدقۃ الفطر نہیں دیا ہے تو عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر دیں تاکہ وہ غریب مسلمان جو عید کی خوشی ہماری طرح نہیں منا سکتے ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں مزید عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جتنی عبادت ہم کر چکے ہیں اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے اور یہ آخری عشرے کے جتنے بھی برکات ہیں رحمتیں برکتیں ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے مولانا صاحب نے بتایا کہ ہر روز صدقہ کریں کتنا بھی کریں اپنے پاس سے اور روزے تو رکھ ہی رہے ہیں ہم لوگ اور اس کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھیں اور پھر قرآن شریف پڑھیں بڑے آسان اعمال ہیں جو ہم عمل کر سکتے ہیں تو اس میں ہمیں 83 سال کی جو عبادت کا صلہ ملے گا وہ بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالی ہمیں سب نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان